देखो यहाँ पे DNS कैसे कॉन्फ़िगर करना है। DNS कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट पे जाना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, ठीक है, सर्वर मैनेजर पे जाना है, सर्वर मैनेजर के अंदर रोल, ठीक है, ऐड रोल पे क्लिक करना है, नेक्स्ट, DNS की सर्विस यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, नेक्स्ट करके फिनिश करना है एंड देन इंस्टॉल कर देना। अभी ये इंस्टॉल है इसमें, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद डोमेन नेम की जरूरत होती है, वो DNS के अंदर नाम डालने की, वो आगे आएगा सेकंड स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टार्ट एडमिन टूल, DNS पे जाना है, यहाँ पर हमें फॉरवर्ड लुकअप जोन पे राइट क्लिक करना है, न्यू जोन, नेक्स्ट, प्राइमरी जोन बनाना है, यानी कि एक सेव से कॉपी ऑफ द जोन दैट कैन बी अपडेटेड डायरेक्टली ऑन दिस सर्वर, मास्टर DNS सर्वर बनेगा। नेक्स्ट करते हैं टू ऑल DNS सर्वर्स रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर इन दिस फॉरेस्ट। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ डोमेन नेम दे रहा हूँ मैं orange.com, नेक्स्ट, अलाउ एनी सिक्योर डायनेमिक अपडेट, ये सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है एंड फिनिश करना है, ठीक है। फिनिश करते ही यहाँ पर orange.com ये बना हुआ आ जाएगा, ठीक है, और आपके जो सर्वर का आईपी एड्रेस होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। मेरे सर्वर का नेम ये है होस्ट नेम, मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस ये है, तो होस्ट के रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। देखो SOS स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी नेम सर्वर होस्ट के रिकॉर्ड ये सब आ रहे हैं, ठीक है। अब रिवर्स लुकअप जोन बनाना है, नेक्स्ट राइट क्लिक किया, न्यू जोन, नेक्स्ट करा, प्राइमरी जोन, मास्टर DNS सर्वर बना रहे हैं ये, तो ऑल DNS सर्वर रनिंग ऑन द डोमेन कंट्रोलर इन दिस फॉरेस्ट orange.com, नेक्स्ट, आईपी वर्जन 4 रिवर्स लुकअप जोन बनाया, नेक्स्ट, नेटवर्क आईडी हमारा 10.0.0 की सीरीज चल रही है, ठीक है, तो 10.0.0 लिख देते हैं, प्राइवेट आईपी है। नेक्स्ट, अलाउ ओनली सिक्योर डायनेमिक अपडेट जो AD के लिए रिकमेंडेड है, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश। अब एक्सपेंड करते हैं रिवर्स लुकअप जोन, यहाँ पर हमारा रिवर्स लुकअप जोन आ जाएगा। नेक्स्ट राइट क्लिक करके न्यू पॉइंटर पे क्लिक करते हैं। अब इस सर्वर का आईपी एड्रेस है 10.0.0.3, यहाँ पे होस्ट आईडी एंटर करना है, अलाउ एनी ऑथेंटिकेटेड यूजर ये सिलेक्ट करना है, ब्राउज पे क्लिक करके सर्वर नेम पे डबल क्लिक करना है, फॉरवर्ड लुकअप जोन orange.com, और सबसे लास्ट में जाके यहाँ पे सर्वर नेम सेलेक्ट कर देना है, या फिर SQDN आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हो। SQDN हम फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को कहते हैं, होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम, ठीक है। तो orange.com हमारा डोमेन नेम था, ये बन गया। अब इसको वेरीफाई करना है कि मेरे DNS प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, यहाँ पर लिखना है NS lookup सेम आईपी एड्रेस और सर्वर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो IPv6 के साथ चल रहा है, तो ये इसने IPv6 का हटा दिया रिजॉल्विंग, लेकिन बाकी IPv4 का ये होस्ट नेम SQDN दिखा रहा है और एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें IP की जगह ये देख सकते हो कि orange.com किस सर्वर का है IP एड्रेस, तो ये भी देख सकते हो, यहाँ पर भी रिजॉल्व करके दिखा देगा, orange.com दिखा रहे हैं, ठीक है। हर तरीके से यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा एड्रेस वर्क कर रहा है। उसके बाद हमें जैसे जोन ट्रांसफर करने हैं, मेंबर DNS सर्वर बनाना है, तो orange.com पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, यहाँ से जोन ट्रांसफर टैब होगा इसमें जाना है, अलाउ जोन ट्रांसफर ओनली टू द फॉलोइंग सर्वर एडिट करना है, यहाँ पे सेकेंड एक दूसरा जो सर्वर होगा उसका आईपी एड्रेस डालना है, तो फिलहाल सर्वर तो ऑन नहीं है, मैं उसका आईपी एड्रेस एज्यूम करके डाल देता हूँ, 10.0.0.4 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके, ठीक है, देन अप्लाई, देन ओके, ठीक है। सेम चीज ऐसे रिवर्स लुकअप जोन पे करना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज, जोन ट्रांसफर टैब, यानी आप जोन ट्रांसफर करोगे ओनली टू द फॉलोइंग सर्वर एडिट, यहाँ आईपी एड्रेस डाल देते हैं 10.0.0.4, ठीक है, अप्लाई। यहाँ पर हमारे मास्टर DNS सर्वर विथ जोन ट्रांसफर कंफिगर हो जाते हैं। नेक्स्ट
आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि उसके अंदर मेंबर डीएनएस सर्वर कैसे बनाएंगे और उसके अंदर सेकेंडरी जोन सब जोन कैसे बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक ही सर्वर है कि नहीं चल पाएंगे।